हेलो फ्रेंड, स्वागत एक बार फिर आपका हमारे चैनल मैसान स्टार्डस में। वीवर 11 अगस्त 2023 को बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री की तीन बड़ी मूवीज एनिमल, गदर 2 और ओ माय गॉड 2 आपको थिएटर्स पर एक साथ क्लैश होती हुई दिखाई देंगी। तो साल 2023 में अब तक कितनी मूवीज ऐसी हैं जो कि आने वाले दिनों में क्लैश होती हुई आप व्यूअर्स को दिखाई देंगी, उनकी डिटेल आज की इस वीडियो में हम आप व्यूअर्स को प्रोवाइड करने जा रहे हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल मैसान स्टार्डस को सब्सक्राइब करना भी न भूलिए। तो चलिए व्यूअर्स, वीडियो का आगाज करते हैं इस इंट्रो के बाद। तो ये सबसे पहले हम जिक्र करेंगे दो मूवी जो कि आपस में क्लैश होने जा रही हैं। पहली मूवी का नाम है 1920 हॉरर्स ऑफ द हार्ट और ये क्लैश होने जा रही है मिनिमम मूवी के साथ। तो सबसे पहले हम जिक्र करेंगे 1920 हॉरर ऑफ द हार्ट का, जिसे डायरेक्ट कर रहे हैं कृष्णा भाट। फिल्म की लीड कास्ट में अविका गौर, राहुल देव, बरखा बिश और दिनेश पेंडोर शामिल है और ये फुल हॉरर थ्रिल मूवी है जो की आपको 23 जून 2023 को मिनिमम मूवी के साथ क्लैश करती हुई दिखाई देगी। और मिनिमम मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं रोमाना मौला। फिल्म की लीड कास्ट में सबा आजाद, गीतांजलि कुलकर्णी और नमित दास शामिल हैं और ये एक फुल सोशल ड्रामा मूवी होने जा रही है और ये 23 जून 2023 को 1920 हॉरर्स ऑफ द हार्ट के साथ क्लैश होने जा रही है। और वह बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में नेक्स्ट बड़ा क्लैश होने जा रहा है सत्य प्रेम की कथा का। 1920 प्रत्यकार चूरी चूरा और लफ्जों में प्यार, ये तीन मूवी सेम डेट पर एक साथ क्लैश होने जा रही हैं। पहली मूवी के जिक्र करें तो सत्य प्रेम की कथा को डायरेक्ट कर रहे हैं समीर विद्वांस और फिल्म की लीड कास्ट में कार्तिक आर्यन, कियारा एडवाणी, सुपरिया पाठक और गजराज राव शामिल है और ये एक फुल रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा मूवी है जो की आपको 29 जून 2023 को 1922 प्रत्यकार चूरा चूरा के साथ क्लैश करती हुई नजर आएगी। और 1922 प्रतिकार चूरी चूरा को डायरेक्ट कर रहे हैं अभीक भानो। फिल्म की लीड कास्ट में रवि किशन, अनिल नागराज, अशोक बंथिया और रवि शंकर खैर शामिल हैं और ये एक फुल पीरियड ड्रामा मूवी है जो कि 30 जून 2023 को सत्य प्रेम की कथा और लफ्जों में प्यार के साथ क्लैश होने जा रही है। लफ्जों में प्यार मूवी की बात करें तो इसे डायरेक्ट कर रहे हैं धीरज मिश्रा और राजा रणदीप गिरी। फिल्म की लीड कास्ट में अनीता राज, जरीना वहाब और विवेक आनंद मिश्रा शामिल हैं और ये फिल्म फुल रोमांटिक ड्रामा मूवी होने जा रही है जो कि आपको 30 जून 2023 को 1922 प्रतिकार चूरा चूरा और सत्य प्रेम की कथा के साथ ये आपको क्लैश होती हुई नजर आएगी। और 30 जून 2023 को तीन बड़ी मूवीज एक साथ एक ही दिन पर रिलीज हो रही हैं। और वह तीसरा बड़ा क्लैश होने जा रहा है नियत मूवी का 72 हुरे मूवी के साथ। नियत मूवी की बात करें तो इसे डायरेक्ट कर रहे हैं अन्नु मेनन। फिल्म की लीड कास्ट में विद्या बालन, राम कपूर, शहाना गोस्वामी और शशांक अरोड़ा शामिल हैं और एक मर्डर मिस्ट्री मूवी होने जा रही है जो कि आपको 7 जुलाई 2023 को 72 हुरे मूवी के साथ क्लैश होने जा रही है। 72 हुरे मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं संजय पूरन सिंह चौहान और फिल्म की लीड कास्ट में सारू मियानी, आमिर बशीर और पवन मल्होत्रा शामिल होंगे और ये कॉमेडी क्राइम थ्रिल ड्रामा मूवी होने जा रही है जो कि 7 जुलाई 2023 को नियत मूवी के साथ क्लैश करती हुई दिखाई देने वाली हैं। और इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में पांचवा बड़ा क्लैश 10 से 15 अगस्त के दरमियान पांच बड़ी मूवीज में होने जा रहा है, जिनमें शामिल हैं जेलर, ओ माय गॉड 2, एनिमल, गदर 2 और तारिक मूवीज शामिल हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे साउथ इंडियन जेलर मूवी की, तो इसे डायरेक्ट करेंगे नेल्सन। फिल्म की लीड कास्ट में रजनीकांत, शिवा राजकुमार, तमन्ना भाटिया, रम्या कृष्णन, जैकी श्रॉफ, मोहनलाल सर इस फिल्म में कैमियो देखते हुए दिखाई देंगे। तमिल लैंग्वेज की एक फुल एक्शन थ्रिल कॉमेडी मूवी है जो कि आपको 10 अगस्त 2023 को थिएटर्स पर दिखाई देने वाली है। और ठीक एक दिन बाद जेलर के सामने ओ माय गॉड 2 आपको बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री से दिखाई देने वाली है। इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं अमित रॉय। फिल्म की लीड कास्ट में अक्षय कुमार, यामी गौतम और पंकज त्रिपाठी शामिल हैं और ये एक सोशल कॉमेडी ड्रामा मूवी है जिसमें आपको इस बार एजुकेशन सिस्टम के ऊपर कॉमेडी करते हुए हमारे अक्षय कुमार और पंकज त्रिपाठी दिखाई देंगे और ये फिल्म 11 अगस्त 2023 को थिएटर्स पर रिलीज होने वाली है ठीक एक दिन के बात जेलर 10 तारीख को रिलीज होने वाली थी। तो ओ माय गॉड 2 का जेलर के साथ साथ एनिमल मूवी के साथ भी क्लैश होने जा रहा है, जिसे डायरेक्ट कर रहे हैं संदीप रेड्डीवांगा। फिल्म की लीड कास्ट में रणबीर कपूर, रश्मिका मंदाना, अनिल कपूर और बॉबी देओल शामिल हैं और एनिमल एक फुल एक्शन क्राइम थ्रिल मूवी है जो कि आपको 11 अगस्त 2023 को ओ माय गॉड 2 और साउथ इंडियन जेलर के साथ क्लैश करेगी। और साथ ही साथ इन मूवीज का क्लैश होगा गदर 2 द कथा कंटिन्यू के साथ, जिसे डायरेक्ट कर रहे हैं अनिल शर्मा, जिन्होंने 2000 के दशक में गदर एक
प्रेम कथा के नाम से एक बड़ी फिल्म बनाई थी। अब इसी सिलसिले को कंटिन्यू करते हुए गदर 2 द कथा कंटिन्यू बना रहे हैं और फिल्म की लीड कास्ट में सनी देओल, अमीषा पाटिल, उत्कर्ष शर्मा, सम्राट कौर शामिल हैं और साथ ही साथ शॉटगन सेना, शत्रुघ्न सेना के बेटे लव सिन्हा भी इस फिल्म का हिस्सा होंगे। और गदर 2 द कथा कंटिन्यू ये एक पीरियड रोमांटिक एक्शन ड्रामा मूवी है जो कि आपको 11 अगस्त 2023 को एनिमल, ओ माय गॉड 2 और जेलर के साथ साथ तारिक के साथ क्लैश करती हुई दिखाई देगी। तारिक मूवी की बात करें तो इसे डायरेक्ट कर रहे हैं अरुण गोपालन। फिल्म की लीड कास्ट में जॉन अब्राहम, रुक्मणी मैत्रा और सुजीत शंकर शामिल हैं और ये एक एक्शन ड्रामा मूवी है जो कि आपको 15 अगस्त 2023 को थिएटर्स पर रिलीज के लिए प्लान की गई है। तो 10 से लेकर 15 अगस्त के दरमियान 5 बड़ी मूवीज एक साथ स्क्रीन पर क्लैश करती हुई दिखाई देंगे इस आजादी के मौके पर। तो आपके हिसाब से इन 5 मूवीज में कौन सी मूवी है जो कि सबसे ज्यादा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर पाएगी? कमेंट सेक्शन में अपनी फेवरेट मूवी का नाम जरूर मेंशन कीजिएगा। और छठा बड़ा क्लैश होने जा रहा है आयुष्मान खुराना स्टारर मूवी ड्रीम गर्ल 2 और इसके साथ विकी कौशल की एक अनटाइटल मूवी है जो कि आपस में क्लैश करने जा रही है। ड्रीम गर्ल 2 की बात करें तो इसे डायरेक्ट कर रहे हैं राज शेंडलिया और फिल्म की लीड कास्ट में आयुष्मान खुराना, अनन्या पांडे, अनु कपूर और परेश रावल सर इस बार इस टीम को ज्वाइन करने जा रहे हैं और एक फुल कॉमेडी एंटरटेनमेंट मूवी है जो कि आपको 25 दिसंबर 2023 को थिएटर्स पर देखने को मिल सकेगी। और इसके सामने विकी कौशल और एमी विर्क स्टार अनटाइटल मूवी है जो कि एक फुल कॉमेडी ड्रामा मूवी होने जा रही है और ये फिल्म 25 अगस्त 2023 को थिएटर्स पर रिलीज के लिए प्लान की गई है और इसका क्लैश होगा आयुष्मान खुराना स्टारर मूवी ड्रीम गर्ल 2 के साथ। और यार 7वां बड़ा क्लैश होने जा रहा है जवान मूवी वर्सेस फुकरे 3 का। तो जवान मूवी की बात करें तो इसे साउथ के फेमस डायरेक्टर एटली कुमार डायरेक्ट कर रहे हैं और फिल्म की लीड कास्ट में शाहरुख खान, नयनतारा, सानिया मल्होत्रा और सुनील ग्रेवर के साथ साथ विजय सेतुपति इस फिल्म का हिस्सा है। संजय दत्त और थलापति विजय इस फिल्म में कैमियो अपीयरेंस देंगे और दीपिका पादुकोण एक आइटम नंबर जवान मूवी में करती हुई दिखाई देंगी। जवान एक फुल एक्शन क्राइम थ्रिल मूवी है जो कि आपको 7 सितंबर 2023 को फुकरे 3 के साथ क्लैश करती हुई दिखाई देगी। फुकरे सीरीज की मूवीज 2 ऑलरेडी बॉक्स ऑफिस पर सक्सेसफुल रही हैं और फुकरे 3 को इस बार डायरेक्ट कर रहे हैं मृगदीप सिंह लांबा। फिल्म की लीड कास्ट में ऋचा चड्ढा, पुलकित सम्राट, वरुण शर्मा, आली फजल, मंजूत सिंह और पंकज त्रिपाठी इस फिल्म का भी हिस्सा होंगे और ये एक फुल कॉमेडी एंटरटेनमेंट मूवी होने जा रही है जो कि 7 सितंबर 2023 को किंग ऑफ बॉलीवुड शाहरुख खान की जवान मूवी के साथ क्लैश होने जा रही है। तो एक बड़ा क्लैश है, यकीनन यहां पर जवान मूवी काफी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है लेकिन फुकरे 3 को भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। इससे पहले इस सीरीज की 2 मूवीज बॉक्स ऑफिस पर सक्सेसफुल रह चुकी हैं। और नंबर 8 पर एक और बड़ा क्लैश होने जा रहा है। 3 बड़ी मूवीज एक साथ आने वाली हैं जिनमें से आदित्याम वर्सेस योद्धा वर्सेस श्री ये 3 मूवीज हैं जो कि सितंबर में आपस में क्लैश करने जा रही हैं। सबसे पहले बात करेंगे आदित्याम मूवी की जिसे डायरेक्ट कर रहे हैं रविकांत सिंह। फिल्म की लीड कास्ट में श्रद्धा कपूर, रविकांत सिंह और निधि अग्रवाल शामिल हैं और ये ड्रामा रोमांटिक मूवी होने जा रही है जो कि 15 सितंबर 2023 को योद्धा मूवी के साथ क्लैश होने जा रही है। योद्धा मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं सागर आमरे और पुष्कर आहूजा। फिल्म की लीड कास्ट में सिद्धार्थ मल्होत्रा, दिशा पाटनी और राशि खन्ना के नाम लिए गए हैं और ये एक फुल स्पाई एक्शन थ्रिल मूवी होने जा रही है जो कि 15 सितंबर 2023 को आदित्याम और श्री के साथ क्लैश होने जा रही है। श्री मूवी की बात करें तो इसे डायरेक्ट कर रहे हैं तुषार हीरा नंदानी और फिल्म की लीड कास्ट में राजकुमार राव, आलिया फर्नीचर वाला, ज्योतिका और शरद केलकर शामिल हैं और ये एक बायोग्राफिकल ड्रामा मूवी है जो कि 15 सितंबर 2023 को योद्धा और आदित्याम जैसी बड़ी मूवीज के साथ क्लैश होने जा रही है। और 2023 का नवा बड़ा क्लैश होने जा रहा है गणपत पार्ट 1 और यारियां 2 मूवी के दरमियान। तो बात करें गणपत पार्ट 1 की तो उसे डायरेक्ट कर रहे हैं विकास बहल। फिल्म की लीड कास्ट में टाइगर श्रॉफ, कृति सेनन मेन लीड कैरेक्टर प्ले करते हुए दिखाई देंगे और ये एक फुल एक्शन स्पोर्ट्स ड्रामा मूवी होने जा रही है जो कि 20 अक्टूबर 2023 को यारियां 2 के साथ क्लैश होने जा रही है और यारियां 2 को डायरेक्ट कर रहे हैं राधिका राव और विनय सबरू। फिल्म की लीड कास्ट में मीजान जावरी, दिव्या खोसला कुमार, वरीना हुसैन, प्रिया प्रकाश वरियर और अनस्वरा राजन शामिल हैं और ये एक फुल म्यूजिकल कॉमेडी ड्रामा मूवी होने जा रही है और ये फिल्म 20 अक्टूबर 2023 को गणपत पार्ट 1 के साथ क्लैश होने जा रही है और ये एक फुल एक्शन मूवी है गणपत पार्ट 1 और उसके मुकाबले में एक म्यूजिकल कॉमेडी यारियां 2 कैसा कलेक्शन करेगी? कमेंट सेक्शन में सिलसिले में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा।
और ईयर 2023 का 10वां बड़ा क्लैश होने जा रहा है किंग ऑफ बॉलीवुड शाहरुख खान स्टारर मूवी डंकी का सैंधव से। डंकी मूवी की बात करें तो इसे डायरेक्ट कर रहे हैं राजकुमार हिरानी। फिल्म की लीड कास्ट में शाहरुख खान, तापसी पन्नू, विकी घोषाल के नाम लिए गए हैं और ये फुल सोशल कॉमेडी ड्रामा मूवी होने जा रही है और ये फिल्म आपको 22 दिसंबर 2023 को थिएटर्स पर देखने को मिलेगी। और डंकी मूवी के साथ पहले क्लैश में आने वाली मूवी थी बड़े मियां छोटे मियां, जो कि अब इस डेट से हटाकर ईद 2024 पर शिफ्ट कर दी गई। अब डंकी मूवी के सामने आई है सैंधव, जिसे डायरेक्ट कर रहे हैं डॉक्टर शैलेश कोल्लानो और फिल्म की लीड कास्ट में नवाजुद्दीन सिद्दीकी और वेंकटेश दगोपति शामिल है और ये फुल एक्शन थ्रिल ड्रामा मूवी है जो की 22 दिसंबर 2023 को डंकी मूवी के साथ अब क्लैश होने जा रही है। तो इस क्लैश में किंग ऑफ बॉलीवुड की डंकी या फिर नवाजुद्दीन सिद्दीकी की सैंधव बॉक्स ऑफिस पर इन दोनों मूवीज में कौन सी मूवी ज्यादा बेहतर कलेक्शन कर सकेगी, कमेंट सेक्शन में इस सिलसिले में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तो व्यूअर, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने 2023 की जून से लेकर दिसंबर तक के दरमियान अपकमिंग मूवीज के क्लैश जिनके होने वाले हैं उनकी डिटेल आप व्यूअर्स को प्रोवाइड की। तो आज के इस वीडियो में मौजूद इन सभी क्लैश मूवीज में आपको किन किन मूवीज का शिद्दत से इंतजार है, कॉमेंट सेक्शन में इस सिलसिले में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड, ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि हमारी आज की कोशिश आप व्यूअर्स को पसंद आई होगी। अगर हमारे आज का वीडियो आप व्यूअर्स को पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल मैसान स्टार्टर्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे इस चैनल मैसान स्टार्टर्स को सब्सक्राइब भी करना ना भूलिएगा और इसके साथ मौजूद बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। और आप हमारी आज का वीडियो किस शहर, किस देश से देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में इसे भी ज़रूर मेंशन कीजिएगा। हमें जानकर खुशी महसूस होगी कि हमारे ये वीडियो कहां कहां पर देखा जा रहा है। हमारा आज का वीडियो देखने का आप सभी व्यूअर का बहुत बहुत शुक्रिया।